दोस्तों एक और कहानी के साथ हाजिर हूँ। इस कहानी का ताल्लुक आजकल जो हालात हैं हमारे, जिसमें परेशानियां हैं, महंगाई है, कारोबार कम है और एक नई वेव आई है उस वबा की, तो उस हवाले से कहानी बड़ी रेलेवेंट है। गौर से सुनिएगा और इस कहानी पे अमल करने की कोशिश कीजिए। एक दरवेश बादशाह ने बड़ी खिदमत की, एक दरवेश की, दरवेश बड़ा खुश हुआ। एक दिन बादशाह के दरबार में आके उसने बादशाह को एक तोहफा दिया। तोहफे में एक अंगूठी थी। बादशाह से कहा, बादशाह जब कभी ऐसे हालात हों कि तुझे लगे अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, उस वक्त इस अंगूठी को खोलना। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह ने वो अंगूठी पहन ली। कुछ अरसा गुजरा, पड़ोसी मुल्क के एक और हुक्मरान ने हमला किया। जंग पे बादशाह गया अपनी फ़ौज को लेके, बड़ी ख़तरनाक जंग हुई। बादशाह की फ़ौज हारने लगी थी, तो उसके कुछ सिपाहियों ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत आप छुप जाएं, आपकी जान को खतरा है। बादशाह सलामत अपने सिपाहियों के साथ गया तो एक गार में चला गया। सिपाही जो है वहाँ से चले गए ताकि बादशाह सलामत को लोग पकड़ ना सके, वो कहीं और किसी और महाज पे चले गए। बादशाह सलामत गार में बैठा है, उसको आवाज़ें आ रही है कि मेरी फ़ौज हार रही है। आवाज़ें बड़ी ख़तरनाक किस्म की थी। उसको ये हुआ कि बस ये वक्त है, अब सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उसको दरवेश की बात याद आई, उसने अंगूठी खोली, उसके अंदर एक पर्ची थी। उस पर्ची पे लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बादशाह ने कहा चलो ठीक है, जब मुश्किल है तो मुश्किल है, ये वक्त गुजर जाएगा। उसने अंगूठी बंद की और हवाले कर दिया अल्लाह के, जो होगा देखा जाएगा। जंग का पासा पलटा, उसकी फ़ौज जीतने लगी। फ़ौज ने जीतने के बाद बादशाह सलामत को तलाश किया, बहुत बड़ा जश्न हुआ। बादशाह सलामत अपने तख्त पर बैठे थे, दूसरे और बहुत सारे वजीर आए, सब ने इनामात पेश किए, अपनी तरफ से बहुत सारे हदीये पेश किए। तो बादशाह को एकदम से उस उरूज पे, जब जश्न अपने उरूज पे था, बादशाह सलामत को अंगूठी का वो पैगाम याद आया, दिस टू शेल पास, ये भी गुजर जाएगा। तो बादशाह सलामत ने सोचा कि जब बुरा वक्त चला गया तो अच्छा वक्त भी चला जाएगा, ये तख्त व ताज मेरे किस काम के, मैं अपनी ज़िंदगी अब इबादत में गुजारूँ। उसने अपने शहजादे को बुलाया, उसके सर पे ताज रखा, उससे कहा से तू हुक्मरानी करो। बादशाह सलामत ने तख्त व ताज छोड़ दिया। दोस्तों इस कहानी का मकसद ये था कि बुरा वक्त भी चला जाता है, अच्छा वक्त भी चला जाता है, कभी वक्त एक सा नहीं रहता। हर गुजरने वाला पानी दरिया में से एक नए पानी को लेके आता है। तो जिस वक्त से हम, जिस दौर से गुजर रहे हैं, बड़ी मुश्किल दौर है, ये गुजर जाएगा इस यकीन के साथ कि अच्छा दौर फिर आएगा। अल्लाह हाफिज़।